मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग बिजासन घाट चिड़ी मोड़ पर रात में अचानक पहाड़ का एक हिस्सा धस गया, जिससे बड़ी संख्या में पहाड़ की मिट्टी और पत्थर एपी रोड पर आ गए। मौके पर पहुंची बिजासन पुलिस के अनुसार तकरीबन 40 से 50 ट्राली मलबा सड़क पर आ गया, जिससे मुंबई से इंदौर जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और पुलिस को इस मार्ग को डाइवर्ट करना पड़ा। मलबे के चलते फोर लेन पर मुंबई इंदौर जाने वाली लेन पूरी तरह बंद हो गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ का मलबा धंसा उस वक्त कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल बिजासन चौकी पुलिस द्वारा हाईवे कंपनी को सूचना की गई है। बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। मार्ग पे बिजासन घाट में मलबा गिर गया है, क्या कोई जनहानि हुई है? देखिए, जो यहाँ बड़वानी जिले का मुख्य नेशनल हाईवे मार्ग है, मुंबई आगरा हाईवे जिसको कहते हैं, वहाँ पर चौकी बिजासन से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक भूस्खलन हुआ है। हाईवे का जो एक तरफ का हिस्सा है वो चौक हो गया है, क्लोज हो गया है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी को नुकसान हुआ हो या कोई जनहानि हुई हो। मलबा वहाँ पर काफ़ी सारा है, जिसको कि NHAI अथॉरिटी और अन्य एजेंसीज के माध्यम से हटाया जा रहा है, तो मलबा कल तक संभवतः क्लियर होगा। तब तक हाईवे का एक हिस्सा हमने खोल रखा है, जहाँ से वाहनों की आवाजाही जारी है। रोड बाधित हुआ था? रोड कुछ देर के लिए बाधित हुआ था, जिसको चौकी पे जैसे ही सूचना आई तो चौकी स्टाफ वहाँ पर पहुंचा था। चूंकि दूसरी तरफ का हाईवे खुला हुआ था, तो दोनों तरफ के वाहन फिर एक तरफ से अब धीरे धीरे करके निकाले गए थे और अभी भी वो व्यवस्था हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।